ब्लॉग जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र स्टाइल में चिकन रसा रेसिपी, जिसको बहुत ही मतलब महाराष्ट्र स्टाइल में बोलते हैं ना झनझने एकदम, तो वैसी वाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, तो आज मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके लिए क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें चिकन रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने ड्राई कोकोनट ले लिया है, और एक ये मतलब छोटा स्मॉल साइज़ का ऑनियन जिसके स्लाइस करके रखे हैं, थोड़े से होल गरम मसाले, होल अक्खा धनिया, और तीन से मतलब चार से पाँच हमने ड्राई चिलीज ले लिए हैं। अब इन्हीं को हमें रोस्ट करके इसका पेस्ट बनाना है, जिससे कि ये रेसिपी एकदम मतलब बोलते हैं ना टेस्ट बोले तो टेस्ट इतना मतलब इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना कि आप लोग भी क्या बोलोगे कि वाकई में क्या रेसिपी है। तो इसके लिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा तवे पे ऑयल डाल देंगे, और हम इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रोस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो ड्राई कोकोनट है उसको रोस्ट करेंगे, क्योंकि ऑनियन तो बहुत जल्दी से हो जाता है फ्राई, लेकिन कोकोनट जो है वो जल्दी फ्राई नहीं हो पाता है। तो पहले तेल अच्छा से गर्म हो जाता है, तो उसमें हम ये सब ड्राई कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसमें ऑनियन और ये बाकी के सारे होल मसाले डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इन सबका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मिलते ही ये पूरा मसाला रेडी करने के बाद। तो फाइनली सारे मसाले मैंने रोस्ट कर लिए हैं, अब इनका एक फाइन पेस्ट बनाऊंगी। और चिकन रस्सा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर ली है, जो कि गांव के मतलब स्टाइल में होता है ना वैसा वाला। और इसमें मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया है। और इसका ये एक वो स्टॉक बना के रख दिया, जिसमें सिर्फ पानी नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, यही डालेंगे जिससे वो रेसिपी और भी टेस्टी बन जाएगी। ठीक है, अब इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। फाइनली पेस्ट रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए हमने टोप गर्म करने के लिए रख दिया था ऑलरेडी गैस पे। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर चला जाएगा होल गर्म मसाला, जो कि हमने निकाला है। तो ऑयल गर्म हो गया है, अभी फिर से वो ऑयल का यही होगा तट 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 तट। गरम मसाला डाल दिया है इसमें मैंने तेज पत्ता। अभी इसके अंदर जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो वो हमने डाल दिया है। आप देख सकते हो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया है, ये लाल हो गया। तो अब इसमें जाएगा एक टमाटर, जो कि मैंने स्लाइस करके रखा था, वो टमाटर हम डाल देंगे। और थोड़ा सा टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे, ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से मतलब स्मैश हो जाए पूरी तरह से टमाटर। अभी इसमें टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, तो अब जो हमने ये पेस्ट बना के रखा था एकदम से फाइन पेस्ट बनाया है, तो ये मैं पूरा पेस्ट इसमें डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भुनेंगे, ताकि इसकी स्मेल नहीं आए कच्चेपन की। कच्चेपन का तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसे भून कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा हम और इसे भुनेंगे, उसके बाद जो उसका हम नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। तो फाइनली ये पेस्ट जो हमने डाला, उसके बाद इसकी अच्छी भुनाई कर ली है। और इसकी जब भूनते हैं ना, तो इसकी जो खुशबू आती है ना वो अमेजिंग होती है, मतलब इतनी टेस्टी होती है ना कि बस क्या पूछे नहीं। तो ठीक है, अभी उसके बाद हम जो उसमें थोड़े बहुत हमारे घर के गर्म मसाले मतलब होते हैं वो हम डाल देंगे। लेकिन अभी हमें ये थोड़ा थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी रेड चिल्ली यूज़ कर चुके हैं और होल धनिया भी यूज़ कर चुके हैं। इसके लिए अभी हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें सिर्फ डालेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, फिर थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने जब चिकन बॉईल करे है उसमें भी डाले हैं, तो उसका भी इसके अंदर स्टॉक चला जाएगा। तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, तो हम ये सब डाल के इनको, क्योंकि ये झनझनी चिकन रस्सा है, तो झनझनी बोले तो एकदम टेस्ट टेस्ट
होना चाहिए ना, तो हमने डाल दिया रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी चिकन बॉईल करने में भी है, तो थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसके अंदर, और फिर हम वापस से इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है। तो आप सब देख सकते हो कि मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब हमें थोड़ा सा ना इसके अंदर और वाटर ऐड करके मसाले को थोड़ा सा और भूनना है। तो उसके लिए हम जो हमने ये बना बॉईल करके रखे थे चिकन का पानी, तो हम वही चिकन में से थोड़ा सा वाटर ले लेंगे, चिकन स्टॉक लेके इसको और अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मुझे ये तो पूरा यूज़ करना है, तो मैं वही स्पून यूज़ कर रही हूँ, और इनको अच्छे भूनेंगे। इसकी जो मतलब भूनेंगे और इसकी जो खुशबू मतलब ऐसी चलती है ना कि बस क्या पूछो ने हा? और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत करके बनाते हैं ये वीडियो। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये भी चिकन रस्सा की रेसिपी पसंद आए। तो फाइनली पूरा मसाला हमारा रेडी हो गया है, अब हमें इसके अंदर फाइनली कुछ नहीं डालना है सिवाय इस चिकन के और इसके पानी के अलावा। तो पहले हम थोड़ा सा चिकन निकाल के इसके अंदर भून डालेंगे चिकन को भी, ताकि चिकन की भी जो भी थोड़ी बहुत स्मेल बची है वो ख़त्म हो जाए, बाद में इसका पानी हम इसके अंदर ऊपर। तो इस तरह से अभी चिकन को इसके अंदर हम भूनेंगे, तो चिकन के अंदर भी उन मसालों की जो महकार है मतलब खुशबू सुगंध वो इसमें भी आने लगेगी। तो बस इसको अभी थोड़ा अच्छे से इसकी भी भुनाई कर लेते हैं चिकन की। तो ये चिकन की भी अच्छे से भुनाई हो गई है। अभी सेकंड चीज़, कोई कोई ना इसका मतलब क्या करता है कि इसको सूखा रखता है और अलग से रस्सा रेडी करता है, पर मैं तो इसी में रेडी करूँगी। लेकिन अगर वैसा भी किसी को करना है तो जो मसाले हमने इसमें डाला है ना पीस के, ड्राई कोकोनट ऑनियन और होल गरम मसाले का, वो पेस्ट थोड़ा सा निकाल के सेम उसी तरह तड़का देके ये रस्सा जो है उसके अंदर डाल के वो पतला सा ऐसा पातर लिक्विड बोलते हैं ना, वैसा रेडी हो जाएगा और ये सूखा चिकन रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे यही मुझे पतला मतलब रस्सा बनाना है चिकन का, तो मैं अभी इसी के अंदर मैंने इसको अच्छे से भून लिया, तो अभी मैं ये वाला जो है इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। तो फाइनली मेरा जो है चिकन रस्सा रेडी हो गया है। अभी डिपेंड है मुझे कितना डालना है, कितना मुझे पतला बनाना है, थोड़ा सा थिक करना है, जो भी है वो डिपेंड है। तो मैं इसके अंदर सोच रही हूँ और डालूँ कि नहीं डालूँ, नहीं डालना चाहिए, तो मैं ये पूरा चिकन का पानी इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब ये जो है मेरा चिकन झनझनी महाराष्ट्रन स्टाइल चिकन रस्सा रेसिपी रेडी हो गई है। अब जो इसका फाइनल लुक है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी इस तरह से। ये पूरा अभी इसकी जो खुशबू आ रही है ना, वो तो ऐसा नाक में मतलब बस क्या बोलूँ के मतलब ऐसा पूरा दूरों तक चली गई होंगी इसकी खुशबू, इतना मतलब टेस्टी बनता है ये। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और देख सकते हो आप लोग इसकी जो तरी वगैरह है वो कैसी आई हुई है। तो बस अभी ये फाइनल पूरा रेडी हो गया है, थोड़ा सा इसको बॉईल आने देते हैं हम, ऑलरेडी आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको चिकन को भी थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते हैं प्लेट कवर करके, तो मिलते हैं फाइनल टचअप के साथ। फाइनली मेरा ये झनझनीत महाराष्ट्रन स्टाइल चिकन रस्सा रेसिपी रेडी हो गई है, और देखो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और मैंने प्लेटिंग भी पूरे वैसे ही किया है जैसा इसके साथ जैसा अच्छा लगता है, ऑनियन रख देने का, लेमन रख देने का, और इसमें मस्त ऐसा लेमन डाल के खाओ। तो ये मेरा आज का रेसिपी रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।